गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो अभी बज रहे थे देखिए 8:30, बस यू ही दिन शुरू हो गया। पहले तो दो काम, हाथ मुंह दो, ब्रश करो। और दीदी आ रही है CBS पे, जाके उससे कुछ तो हमारे पार्सल है वो ले लेने के, तो जाके पहले वो लेते और फिर मिलता हूँ आपसे। सो हाथ मुँह धो के रेडी हो गए हम, नहाया नहीं और क्योंकि कैप पहन ली, बालों में ऑयल लगाया हुआ है, अगर ऐसा ही निकलेगा तो वो बराबर नहीं दिखेगा। आज मौसम थोड़ा सा साफ है, पिछले आठ या नौ दिन के मुकाबले इतना बोर किया बारिश ने कि क्या ही बताएं, घर से निकलना ही मना था। लेकिन आज थोड़ा सा साफ है, कितनी देर है वो पता नहीं लेकिन है। इसका आनंद उठाए, ये रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा बारिश के मौसम में। नासिक में तो नहीं मिलता, नासिक की बारिश ऐसी होती है, नासिक की बरसात ऐसी होती है। इस दाढ़ी के भी अपने अपने कुछ फंडे, किसी को पसंद आती है तो किसी को नहीं आती। सब लोग के लिए अच्छी है, रहने दो। रात को आई को फ़ोन किया, आई के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, काट डाल, तो आज काट डालेंगे। आई ने बोल दिया है तो काटना पड़ेगा। मेरे को अच्छी लगती है लेकिन क्या करें, अब घर वापसी। तो भाई हम हो गए नहा धो के तैयार, CBS से जो बर्फी भेजी थी आई ने वो लेके आ गए, और क्या, नहा लिया, फ्रेश हो गए, अब स्टडी करने बैठेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आ बैठी है, अपने मुंह पे आ बैठी। मतलब 25th से आई गेस क्या, हमारी 25th से एग्ज़ाम शुरू हो रही है फाइनल, तो उसकी पढ़ाई चल रही है जोरों शोरों से, इसीलिए ब्लॉग भी थोड़े से कम आ रहे हैं। और मैं जिम जाना भी अवॉइड ही कर रहा हूँ कल से, मतलब मैं जिम ही नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जिम जाने मतलब मैं अगर 7 बजे गया ना, मेरे को जिम से लौटने में 10 बज जाते, तो इसीलिए 3 घंटे बर्बाद तो नहीं होते लेकिन अभी के लिए बर्बाद ही होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड है, थोड़ा सा स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फाइनल ईयर है, अगर लग गए ना तो घर वाले मार देंगे, तो इसीलिए। और मौसम के बारे में बता ही चुका हूँ, मौसम आज बड़ा ही खुला है। होप करता हूँ कि ये सारे कपड़े सूख जाए, क्योंकि हमने अगर जो नासिक में उनको बताया कि लास्ट 8 या 10 दिन से कुछ नहीं सूख रहा है, यहाँ पे सब रिपीट पे चल रहा है, जो है उसी पे रिपीट पे। और हम यहाँ पे ज़्यादा कपड़े लाते भी नहीं, रूम पे कितने कपड़े रखेंगे, यहाँ पे रखने के लिए जगह भी नहीं होती। सब लोग अपने अपने थोड़े थोड़े लाए, उत्ते में ही चला रहे, जो गीला हो गया मतलब बाहर निकला मतलब कपड़े गीले हो गए और उसे सुखा देने के, और ठीक ऐसा ही चल रहा है। तो चलो पढ़ाई वढ़ाई करते, खा पी लेते, एंजॉय करो आज के दिन का ब्लॉग। दाढ़ी भी निकालनी पड़ेगी यार, आई ने वो भी दिया है तो निकालनी तो पड़ेगी, अच्छी तो लगी रही है, दो बच्चे का बाप लगता होगा तो लेकिन ठीक है। वो तो बड़ी अच्छी बन गई थी, महीने भर का ड्राई रेस्ट ले। तेजस हाय। सो जैसे कि मैंने बताया कि अभी से लेके मैं मतलब कल परसों से लेके अगले 8-9 तारीख तक जिम नहीं जाऊंगा, तो इसीलिए एक चीज़ पे मेरे को ध्यान देनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा, वो है अपनी डाइट। अगर मैंने उतना ही खाना खाया, उतनी ही कैलोरीज इनटेक की जितनी आज से 2 दिन पहले कर रहा था, तो आज से 1 महीने बाद मैं पहचाना भी नहीं जाऊँगा आपको, इतना फूल जाऊँगा ऐसे। इसलिए पहले ही मेरा वज़न इतनी जल्दी बढ़ जाता है, मुझे नहीं पता कि लोगों का वज़न क्यों नहीं बढ़ता होगा, अपने अपने जेनेटिक्स, अपने अपने सारे वो कंसेप्ट होते हैं, उसमें घुसना नहीं है। लेकिन मेरे बारे में अगर मेरी बात लूँ, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो
दिखने लग जाता है, इसीलिए उसको कम करना पड़ेगा। जितने दिन नहीं जा रहा उतने दिन थोड़ा सा, जितनी ज़रूरत है बैठ बैठ के जीने के लिए उतना ही खाना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो मैं ज़्यादा हो जाऊँगा, फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। पहले ही ज़्यादा हो, कम नहीं हो रहा हो, इसलिए अब पढ़ाई करते, आप भी करो, आपके भी एग्ज़ाम्स हो गए, किन के हो गए किन के नहीं हो गए, कुछ लोगों के हो गए होंगे, जो कर रहे हो करो, मन लगा के करो, अच्छा है। एज यूजुअल जो आप लोगों को पता है और हमको भी पता है, लेकिन फिर से गलती होगी, आज संडे और हमने मौसी के भरोसे चिकन मंगवा लिया कि मौसी आएगी बना के देगी, हम खाएंगे और फिर इजी रूट यू नो, क्योंकि हमको स्टडी था इसलिए कुछ लोड लेना नहीं था, टाइम बर्बाद हो जाता था इसमें। लेकिन हुआ ऐसे, चिकन विकन आ गया और फिर पता चला कि संडे भिंडी लग गई मौसी ने, और फिर इसका नारा अपना अपना ये, और फिर वैसे ही जैसे कि बनानी पड़ेगी तो हम दोनों और ये भी हमारे साथ आज देशमानी भाई लगे हुए और बनाएंगे अब बिरयानी, तो बनाते हैं। अब तक की कारागिरी अभी बचा है, ये भी बचा है, इसकी हम फ्राई बनाएंगे, ये अब बिरयानी बन रही है, यहाँ बनेगी बिरयानी, यहाँ बनेगी चिकन ग्रेवी, और ये हो रहा मैरिनेट हमारा चिकन, और ये राइस बिरयानी। अगर किसी ने पूछा ना बिरयानी कैसी बनती है तो बताना मत, कोई बनाएगा नहीं। कसं जेवण जेवण सो आफ्टर डिनर दबा के खा लिया मैंने। शुरुआत में जो बोला था कि कैलोरी मेंटेनेंस में खाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मैं जिम नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन ये सब देख के कंट्रोल नहीं रहा, एकदम ऊपर तक खा लिया है, लेकिन ठीक है। अब सुबह से जितनी पढ़ाई नहीं हुई उतनी अब करनी पड़ेगी, इसलिए बुक्स खोल के बैठे सब के सब, तो करते और मिलते थोड़ी ही देर में। सिर्फ ब्लॉग खत्म करने के लिए टी शर्ट डालना पड़ा, क्या ही बोले अब, बॉडी तो दिखा नहीं सकते, इतनी अच्छी तो बॉडी है नहीं हमारी, तो इसलिए सोचा कि टी शर्ट डाल ही लूँ। तो बस आज का ब्लॉग यही तक था, बहुत दिनों से ऐसे ब्लॉग नहीं देखे होगे आपने हमारे, रूम के बहुत मिस किया होगा रूम को। तो ठीक है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हो मुझसे तो कमेंट करके बोल दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।